सागर जिले में भाभी की अस्मत लूटने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रिश्तों को शर्मसार करने का मामला गढ़ाकोटा थाना क्षेत्र का है, जहां 22 साल के देवर ने अपनी उम्र से बड़ी और दो बच्चों की मां को घर में अकेली पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने अपने पति के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में बताया गया कि जब वह घर में अकेली थी तो पति का चचेरा भाई घर में घुस आया और वह जबरदस्ती गलत काम करने लगा। महिला ने जब इसका विरोध किया तो उसने धमकी दी और फिर आरोपी वहां से भाग गया। पति के घर आते ही पीड़िता ने सारी आपबीती सुनाई और शिकायत करने थाने पहुंची। गढ़ाकोटा थाना पुलिस ने धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही आरोपी देवर को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। शिकायत की है जिसपे मामला दर्ज हुआ है, क्या मामला है? श्रीमन पुलिस अधीक्षक महोदय सागर द्वारा निर्देशित किया गया है कि महिला संबंधी अपराधों में संवेदनशीलता रखते हुए तुरंत कार्रवाई किया है। इसके तारतम्य में 2 तारीख को बाबूपुरा की पीड़िता द्वारा उसके देवर द्वारा घर में घुसकर बलात्कार की जन संबंधी रिपोर्ट की गई थी, जिस पर से थाना गढ़ाकोटा में प्रकरण धारा 376 और 450 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। इसमें पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया था और आरोपी को तत्काल जो है अभिरक्षा में गिरफ्तार किया गया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर, आरोपी का क्या नाम है? आरोपी का नाम भुजबल अहरवाल है, जो कि उसके जो पीड़िता है उसके चाचा का लड़का है और उसका नाम भुजबल अहरवाल है और ये 22 साल का है और बाबूपुरा गांव में ही रहता है।